भाजपा मंडल के चुनाव को लेकर आज रायशुमारी। युवा भाजपाइयों में रहा उत्साह। बाग भारतीय जनता पार्टी मंडल बाग के निर्धारित चुनाव कार्यक्रम आज चुनाव पर्यवेक्षक राजीव यादव एवं निर्वाचन अधिकारी महेंद्र सिप्ता के मार्गदर्शन में संपन्न हुए। पार्टी के उच्च नेतृत्व के निर्णय अनुसार मंडल अध्यक्ष 35 से 40 वर्ष की आयु निर्धारण कर दिए जाने से युवा भाजपाइयों में अपार उत्साह देखा गया। बाग मंडल भाजपा अध्यक्ष पद हेतु 7 भाजपा नेताओं ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। चुनाव पर्यवेक्षक राजीव यादव एवं निर्वाचन अधिकारी महेंद्र सेक्टर द्वारा बाग मंडल के 62 बूथ अध्यक्षों द्वारा मंडल अध्यक्ष पद के दावेदारों में से वरीयता के क्रम से 3 नाम लिए गए। मंडल अध्यक्ष पद के दावेदारों ने वर्तमान मंडल अध्यक्ष कैलाश झाबा, महेंद्र मेरती, भेरूलाल धरवाल, नरेश सेठिया, सुरेश सिसोदिया, कालू सिंह मोरी, कैलाश जमरा ने मंडल अध्यक्ष के लिए अपने दावेदारी प्रस्तुत की। चुनाव पर्यवेक्षक राजीव यादव ने बताया कि सभी 62 बूथ अध्यक्षों से प्राप्त 3 नामों को उच्च संगठन को प्रेषित किया जाकर मंडल अध्यक्ष के निर्णय की घोषणा की जाएगी। मंडल अध्यक्ष के चुनाव को लेकर अच्छा खासा उत्साहजनक वातावरण रहा। बड़ी संख्या में भाजपा के सक्रिय सदस्य एवं सभी 62 पंचायतों के इकाई अध्यक्ष उपस्थित हुए। वर्तमान मंडल अध्यक्ष कैलाश झाबा ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है एवं इसमें मंडल अध्यक्ष के चुनाव भी प्रजातांत्रिक तरीके से होते हैं। पद की कोई लड़ाई नहीं है, समर्पण एवं निष्ठा को संगठन द्वारा सदैव वरीयता दी जाती है। धार जिले के बाग से नरेश सेठिया की रिपोर्ट।